अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग तो मैंने दोपहर को स्टार्ट करना था, लेकिन अभी मैं बनाने लगी थी करेले, तो मैंने सोचा है इनकी रेसिपी मैं किस तरह से बनाती हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इसलिए मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और मुझे कुछ लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है, जो कल मैं एक फंक्शन में गई थी और वहाँ पर मुझे मेरे सब्सक्राइबर, मेरी खाला वगैरह सब मिले और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अच्छा जा रहा है, अच्छा ग्रो करेगा चैनल, इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही तो मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा और मैं ज़रूर कामयाब होंगी। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलें जी, करेले बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। आजकल मेरे ट्यूशन के बच्चे जो हैं वो 9 बजे आ जाते हैं सुबह, तो मुझे उनके आने से पहले अपने ब्रेकफास्ट का, जो भी अपने हस्बैंड के लंच का, सब कुछ जो है रेडी करके रखना पड़ता है। उसके बाद 9 बजे की एक शिफ्ट है और एक 10 बजे की है, दोनों को टाइम देते हैं। मुझे 12 बज जाते हैं और साथ में मेरे अपने बच्चे भी हैं, उनको भी टाइम देना होता है बीच बीच में, तो इसलिए मेरा दिन का शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी है। उसके बाद मैं अपने घर के काम वगैरह करती हूँ, तो चलिए, रेस्ट का टाइम तो बिल्कुल नहीं है इस लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेले बनाना, और मैं किस तरह बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी। आपकी अपनी रेसिपी होगी, मेरी अपनी है, तो हो सकता है कि आपको ये मेरी वाली अच्छी लगे और इजी लगे। आप लोगों को पता है मैं इजी एंड क्विक जो है खाना जो बनाने का, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करती हूँ, उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे करेले, अब मैं इनको करूँगी पील ऑफ। उसके बाद हल्का हल्का सा इनका ये ऊपर वाली स्किन जो है वो उतारनी है, तो चलिए मैं आपके सामने उतारती हूँ कि कैसे उतारनी है। तो ये करेले मैंने पील ऑफ कर लिए हैं और इनके अंदर का जो मटेरियल है जो इनका, वो भी मैंने, ये जो सीड्स हैं वो भी निकाल लिए, इनको अच्छे से खाली कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसमें नमक डाल देती हूँ, और नमक क्या करेगा, इसका जो कड़वाहट, जो बिटरनेस है, जो कड़वापन है, वो सारा निकल जाएगा। ढेर सारा नमक डाल लें और फिर बाद में इसको वॉश कर लें। नमक जिनको नहीं इतना ज़्यादा पसंद है, तो वैसे तो ये रात को इस तरह से पील ऑफ करके इनका अंदर का जो भी है सीड्स वगैरह निकाल के और नमक डाल के इनको इस तरह से बंद करके रख दें, ताकि इनका जो सारा पानी है, जो सारा कड़वाहट है, वो निकल जाए। लेकिन मेरे को याद नहीं रहा रात को, क्योंकि सुबह के लिए दो ऑप्शन थे मेरे पास सुबह बनाने के लिए, तो मैं श्योर नहीं थी, इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अगर रात को करके रखे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अभी मैं इनको रख दूँगी साइड पे और मैं मसाला रेडी कर लूँगी। तो आइए मसाला रेडी करते हैं। मसाला बनाने के लिए कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं चाहिए, बस प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए और ये आम। ये आम जो है हमारे घर के हैं, खट्टे नहीं हैं, और ये मैं यूज़ करूँगी। तो हो सकता है मैं इसमें एक ही डालूँ, अगर दो डालूँगी तो फिर ज़्यादा खट्टे तो हैं, आम हैं तो खट्टे तो हैं, कच्चे हैं, लेकिन मैं एक ही डालूँगी, मे भी दो डाल लूँ। अब चलें देखते हैं, एक ही डालूँगी क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं सबको, इनको भी पील ऑफ करके, इसको भी, और फिर देखती हूँ कि आगे क्या करना है। आ गया मौलवी साहब से पढ़ के, कैसा रहा आज का दिन, बहुत दिनों के बाद गए, कैसा लगा? अच्छा लगा? क्या कहा मौलवी साहब ने? प्यार किया, क्योंकि आप मौलवी साहब के फेवरेट हो ना, इसलिए। तो अभी आप क्या खाओगे, दूध पियोगे? अच्छा,
अच्छा जी, वहद आ गया मौल साहब से पढ़ के। आज बहुत दिनों के बाद गया है, एटलीस्ट कम से कम 2 महीनों के बाद गया है ये। तो अभी ब्रेकफास्ट में क्या लोगे? दूध। ओके, तो ये प्याज मैंने काट लिया है इस तरह से, इनको मैं मिक्सर में कर लूँगी, और टमाटर को भी इनको मैं हाथ से कद्दूकस करूँगी। तो पहले मैं इनको कर लेती हूँ मिक्सर में, इनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो चले पेस्ट बना के फिर दिखाती हूँ आपको। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पेस्ट मुझे टमाटर का बनाना है, इसको मुझे दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इसको मुझे प्याज को जो है थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो चलें, मिक्सर जार मैंने लाया है यहाँ पे, और इसमें डालूँगी मैं प्याज, और फिर इसको थोड़ा सा दरदरा करके लाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से आपको पीसना है इसको, मतलब थोड़ा दरदरा ही रखना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना। तो ये हो गया, अब टमाटर करती हूँ। तो इस तरह से इसको भी कद्दूकस कर लें आम को। मसाले के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं, तो अब हम अपने करेले देखते हैं, और इनका पानी जो इन्होंने रिलीज़ किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा जो है कड़वा है। तो अब हम इसको वॉश करेंगे एक बार, और फिर फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें ऑयल डालूँगी फ्राई करने के लिए। करेले हैं तो ऑयल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और ऑयल फ्री करेले अगर कोई बनाता है तो प्लीज़ रेसिपी शेयर करें, और आप किस तरह से करेले बनाते हैं वो भी अपनी रेसिपी जो है रेसिपी या कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना। और जो चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में उनका नाम लूँ तो वो भी कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटर मैंने लगा दिया है, ये इंडक्शन, तो आप लोगों ने देखा होगा इंडक्शन मेरा टूट गया था, उसके बाद मैंने हमने इस पर नई प्लेट जो है वो लगवाई है, लेकिन उन्होंने प्लेट छोटी लगा दी। ये देखें इतना एरिया जो है बचता है इसका, और ऑन ऑफ़ का भी इसका पैनल जो है हिल गया हुआ है। ऑन ऑफ़ का बटन ये है, और ऑन ऑफ़ यहाँ से होता है, और फिर फंक्शन यहाँ से करता है। ये देखें उसके थोड़ा सा आगे प्रेस करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ हुआ है, जो प्लेट उन्होंने छोटी डाल दी है। तो चलें खैर, हम अपनी रेसिपी की तरफ ध्यान देते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया। जब तेल गर्म होगा तो मैं अपने करेले फ्राई करूँगी, तब तक मैं कोई और काम करूँगी। और अभी ये मैंने जो हैं करेले वॉश किए थे, और उनको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, अब इनको डालेंगे ऑयल में, और थोड़ा सा बच के डालें क्योंकि हो सकता है बीच में पानी हो। करेले हमारे हो गए हैं फ्राई, अब इनको हम निकालेंगे, और इंडक्शन को हम थोड़ा लो पे कर देंगे, तो इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि वो मैंने बहुत कम ऑयल डाला था, अब और डाल दिया है। तो सबसे पहले इसमें हमारा ये प्याज जाएगा, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी। ये देखें, ध्यान से डालें बिल्कुल। इंडक्शन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, अगर आपको वो ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, उसको मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसके अंदर फ़ैन होता है एग्जॉस्ट, तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो प्याज़ हमारा हम छोड़ देंगे भुनने के लिए, और बीच में देखें कुछ इस तरह के स्लाइसेस जो हैं वो रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर रह गए हैं कोई इसमें मसला नहीं है, जब ये भुन जाएंगे तो मैं इनको स्पैचुला की हेल्प से ब्रेक कर लूँगी छोटे छोटे पीसेज में,
तो इसको हम भूनने देंगे अभी। तब तक मैं किचन का कुछ और काम कर लेती हूँ। प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना टमाटो पेस्ट। तो टमाटो पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अब वीडियो के अंदर एक और आवाज़ ऐड होगी, वो है टीवी की। आहत का कहना था कि मम्मा थोड़ी देर मुझे टीवी देखने दें, उसके बाद मुझे पढ़ना है, तो वो टीवी देखने लग गया और उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्ब कर रही होगी आप लोगों को, सो प्लीज़ इग्नोर। तो ये टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो ये मसाला भी हमारा, जो ये टमाटर है, ये भी अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। उसके बाद हम डालेंगे अपना आम, ये इस तरह से डाल दें इसको। कुछ ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, लेकिन खट्टा हमारे घर में सबको पसंद है, तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे। इसको हम प्याज के साथ भी भून सकते थे, लेकिन ये फिर जल्दी पानी जो है रिलीज़ कर देता है और फिर चिपकने लगता है। वैसे नॉन स्टिक में तो नहीं चिपकता, लेकिन जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको टमाटर के साथ डाला है। और कुछ लोग बोलेंगे कि अगर आम का सीज़न ना हो तो फिर हम क्या डालेंगे, तो आप अनारदाना डाल सकते हैं, उसको रात को भिगो के रख दें और सुबह उसका पेस्ट बना लें। नींबू ऐड कर सकते हैं खट्टा डालने के लिए, और बस ये दो चीज़ें हैं जो, या इमली डाल लें थोड़ी सी, बट इमली जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, तो वो खट्टापन तो देगी लेकिन मसाला जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा हमारा। तो दो वो भी डाल सकते हैं, उसके लिए आपको प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फिर अगर इमली नहीं डालनी चाहते तो अनारदाना डाल लें, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है, और लेमन डाल लें। तो ये मसाला हमारा जल्दी ही हो जाएगा रेडी, क्योंकि आम को इतना टाइम नहीं लगेगा पकने में। ये आप देख सकते हो, ये जो है बाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में, तो इसका मैं इंडक्शन जो है थोड़ा कम कर दूँगी, थोड़ा इसकी हीट जो है वो लो कर दूँगी। इसको भूनूँगी थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे हमारे सारे मसाले इसके अंदर, और फिर लास्ट में करेले। दैट्स इट, और हमारे करेले जो है रेडी हो जाएंगे। और आपको अगर मैं अपनी किचन का हाल इस वक्त दिखाऊं तो आप सोचेंगे कि कितना ज़्यादा गंद पड़ा है किचन में, लेकिन अभी मैं 10 मिनट के अंदर इसको सारा साफ़ कर लूँगी। और मेरे ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज आपको सुबह सुबह दो दो रेसिपीज मिल रही हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया ये वाला, तो अब हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। उसमें है लाल मिर्च का पाउडर, ये है मेरे पास मिक्स मसाला, और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। काली मिर्च का पाउडर डालें, टेस्ट को एनहेंस करता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मेरे ड्राई स्पाइसेस हैं, मतलब सॉरी स्पाइसेस ड्राई ही होते हैं, ये पाउडर स्पाइसेस हैं, मतलब पाउडर मसाले हैं। ये जाएंगे अब इसके अंदर, और एक मिक्स करेंगे उसको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब टेस्ट का टेस्ट करके ही पता चलेगा कि कैसे बने हैं। ये हो गया है मिक्स, तो बस दो मिनट इसको, जो मसाले हमने ड्राई वाले डाले हैं अपने पाउडर मसाले, उनको थोड़ी देर के लिए भून लें, और फिर इसके अंदर जाएगा हमारा फ्राइड करेला। और ये इस तरह से जाएगा, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो ये मसाला मैं स्पून की हेल्प से इनके अंदर डाल दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इनको इस तरह से ही पकाऊँगी, ये भी मेरी एक टेक्निक है यूनिक सी। तो आप लोगों की क्या टेक्निक्स है ज़रूर कमेंट कर दें। और ये इनको मैं कुछ थोड़ी देर के लिए इस तरह से पका लूँगी, उसके बाद ये जो मसाला है इसको मैं स्पून की हेल्प से इनके अंदर फिल कर दूँगी, और मेरे करेले जो हैं बनके रेडी हो गए हो जाएंगे। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करें।
ये इस तरह पकेंगे। इसको मैं कवर करके पकाऊंगी थोड़ी देर, कम से कम 2 मिनट रखेंगे हम इसको बिल्कुल मीडियम लो टू मीडियम, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें। और तब तक देखते हैं कोई और काम। और 2 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है। हाल तो बहुत अच्छा है, अब ये पक गए हैं अच्छे से जितना मुझे चाहिए था। और थोड़ी देर के बाद ये जो मसाला है ये स्पून की हेल्प से इनके अंदर फिल करेंगे, थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए फिर उसके बाद। चलिए कढ़ाई हम उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे इंडक्शन पे और भी काम है। करेले हमारे रेडी हो गए, बाहर से धूप आ रही है, करेले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अभी मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। और आहा देख रहा है जंगल बुक, क्योंकि वो इसको मिस नहीं करना चाहता, उसके फेवरेट कार्टून्स हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। और अभी मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि 8 बज चुके हैं, 8 से ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वेट लॉस वाला ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ओट्स, फुल ऑफ फाइबर एंड फुल ऑफ प्रोटीन, तो फ्री शुगर फ्री, सॉरी शुगर फ्री, हनी फ्री, हनी भी नहीं डालूंगी क्योंकि हनी ख़त्म हो गया और मेरी किचन में ऑलमोस्ट सारे मसाले जो है ख़त्म हो गए हैं। तो एक दिन जाना है शॉपिंग करने मसाला की और बाकी सामान, थोड़ी सी पे आ जाए तो फिर। और पे मेरी वही है जो आप लोग जानते हैं, मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ और मेरी वो वाली पे आ जाती है, तो फिर मैं शॉपिंग पे निकल जाऊँगी और अपनी किचन के सारे मसाले इंशाल्लाह ले आऊँगी और फिर अपनी किचन में दोबारा से रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए आए बनाते हैं ओट्स। और सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, घर पर बनाएँ। आहत नहीं खाता, असद को बहुत पसंद है, बच्चों को दे और बच्चों को चीनी डाल के दे दें, लेकिन अच्छे रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन लगा हुआ था पहले से, तो इस पे मैंने रख दिया ये सॉस पैन। सॉस पैन के अंदर जाएंगे 1 कटोरी ओट्स और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बस 2 मिनट तक, 2 या 1 मिनट तक इसको ड्राई रोस्ट कर लें। इस तरह से बनाएंगे तो आपका ज़रूर मन करेगा खाने का। जिन लोगों को ओट्स पसंद नहीं है वो भी, मुझे भी पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैंने इस तरह बनाना शुरू किया तो मुझे अच्छे लगने लगे। पानी में तो मुझे नहीं पसंद है, ये सीरियसली बात, जो ऑनेस्टली ये मैं बात बता रही हूँ आपको, पानी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दूध में बनाती हूँ। और ये इस तरह से इनको थोड़ा सा भून लें। और ओट्स का चिल्ला भी मुझे बहुत पसंद है, कभी उसकी भी रेसिपी दिखाऊंगी आपको, आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और दही वाले ओट्स वो भी मुझे पसंद हैं। और एक ओट्स की खिचड़ी बनती है, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है वेट लॉस में, डिनर में, तो वो भी मैंने एक दिन बना के खाया था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। तो इंशाल्लाह बस अब जर्नी शुरू की है, जो आप लोगों के साथ ही सब कुछ शेयर करूंगी, अपना ये जो रेसिपीज़ वगैरह हैं और अपनी लाइफ जो है, अपना लाइफस्टाइल। तो इसको हम लगातार भूनते रहेंगे क्योंकि जलने का भी डर रहता है, ज़्यादा नहीं जलाने हैं। ओट्स हमारे जो हैं रोस्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर जाएगा दूध। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर, ओट्स भी जल्दी ही रेडी हो जाते हैं 2 मिनट में। अब ये इसके अंदर पकेंगे, तब तक हम अपने जो करेला हैं उनको फिल कर लें। और ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरफ है ये गैस के ऊपर, गैस बंद है, ऑन नहीं है। और ये सॉरी ये पोजीशन ठीक है। तो अभी इनके अंदर मसाला किस तरह फिल करना है, आपको करेला जो है स्पून की हेल्प से इस तरह खोलना है
और उसके अंदर थोड़ा सा मसाला जो है इस तरह से डालना है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। अगर ये ना हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, फॉक ले लें या कुछ और ले लें। ये देखिए मसाला हमारा इनके अंदर जाएगा और ये हमारे भरे हुए करेले जो हैं इस तरह से बन जाएंगे। इस तरह से लें और ये देखें खोलें अंदर से पॉकेट और छोटा स्पून लें, छोटे स्पून की हेल्प से बस इस तरह से सब अपने करेले जो हैं फिल कर लें और उठा के बिल्कुल आराम से साइड पे रख लें। ये देखें इस तरह से इसको एक बार खोल के देख लें कि इसकी कैपेसिटी है कितनी, इसके पेट के अंदर जाएगा कितना मटेरियल। तो ये जी हो गया हमारा ये भी। तो इस तरह से मैं सारे ही फिल कर लूँगी। और थोड़ी सी टफ रेसिपी है, अगर है तो भी बताएं, अगर इजी है तो भी बताएं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, तो मैं इन सबको फिल कर लूँगी। तो जी देख लें आप, मैंने सारा मसाला जो है इनके अंदर जो है फिल कर लिया है। उसके बाद हमारी जाएगी हरी मिर्च, ये बस गार्निशिंग के लिए है, बच्चों वाला घर है, बच्चे भी खाएंगे। और मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, यकीन माने इतना ज़्यादा टेस्ट है। ये देखिए मसाला मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी है और चपाती के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा लंच में। मैं तो इनको लंच में खाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑयल ज़्यादा लगा है इसमें। तो हस्बैंड को पैक करके दे दूँगी टिफ़िन में, और आज की दादी जब इस तरफ आएँगी दोपहर को तो उनको भी लंच करा दूँगी, बाकी बच्चे खाएँगे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करना प्लीज़। और अब देखते हैं हमारे ओट्स, इनका इनकी खबर लेते हैं ज़रा। तो ओट्स भी हमारे साथ साथ पक गए हैं, बन गए हुए हैं ये। अभी मैं फ्लेम को बंद कर लूँगी, फ्लेम को बंद नहीं करना, अभी मुझे और ज़रूरत है इंडक्शन की, सुबह सुबह बहुत ज़रूरत होती है इंडक्शन की। तो ये हमारे डन, अब ये ठंडे होंगे उसके बाद मैं इनको खा लूँगी। इंडक्शन की ज़रूरत ये है कि अब हम अपना दूध बॉयल करेंगे, इस पर दूध होता रहेगा बॉयल। और आपको मैं दिखा दूँ कि किचन का जो हाल है, ये देखें सिंक फुल हो गया है। तो अब मैं इसको ये सारे बर्तन वॉश कर लूँगी और फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी, तब तक मेरे ओट्स भी ठंडे हो जाएंगे। ये देखें सोप इधर रख दिया है बच्चों ने, तो बर्तन करेंगे वॉश, फिर आराम से बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट। और आहद ने दूध पी लिया, उसके पापा ने शेक पी लिया है अपना, असद सोया है, उसको भी मैंने फीडर दे दिया है। तो अभी बर्तन धो लूँगी। तो ओट्स मेरे ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी और थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। जिन चीज़ों से डेकोरेट करूँगी वो आपके बिल्कुल ही सामने हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को? छोटा नहीं है, 23 मिनट्स का है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, मेरी दोनों रेसिपीज़ में से जो भी अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करें। और इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे, फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। और अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करें। और ये मेरा यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।